हो गया सर, बहुत शानदार ब्रजराज जी पढ़ते हैं। लेकिन आज के हमारे हास्यावतार जिन्होंने सारे कवियों के पुष्पों को एक धागे से बांध करके माला में पिरो करके आप तक पहुंचाया है, मैं आमंत्रण देता हूं भाई श्री कमलेश जी को इन पुष्पों के धागे। आदरणीय कमलेश जी मंच पर आवें। और मित्रों थोड़ी देर अगर आप बैठेंगे तो सबको अच्छा लगेगा, क्योंकि मेरे इस कवि सम्मेलन का अंतिम संस्कार है, इनकी कपाल क्रिया हो जाए, इनको लकड़ियां देकर के जाए। मैं आप सब लोगों से निवेदन करता हूं, जो जा चुके हैं परमात्मा उनको तो वापस नहीं ला सकता, पर जो यहां है वो यहां बैठे हैं और हमारे कमलेश जी का अंतिम संस्कार में मुझे साथ है। अब देख लो भाई साहब, ये अंतिम संस्कार कर रहे हैं मेरा। भरत सिंह जी भोजानी साहब ने, बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हैं, कुलदीप जी आगी साहब, इन सब लोगों का इसमें कार्यक्रम में सहयोग हो। और ये देखो मेरा अंतिम संस्कार कर रहे हैं, कुछ नहीं कर सकते। जो लोग जा रहे हैं उन्हें मैं श्राप दे रहा हूँ, जिस कार्य का सोच के जा रहे हो किसी भी हालत में नहीं होगा। कितनी कोशिश कर लो, तुम चाय पी लो, कुछ भी कर लो, रोटी खा लो, पर नींद नहीं आएगी तो नहीं आएगी, नहीं आएगी नहीं। अब आप लोग क्यों खड़े हो, आ जाओ थोड़े आगे, आ जाओ पास में, आ जाओ इधर आ जाओ। मुझे तो नरपत सिंह जी आर्य साहब ने एक ही बात कही थी, कमलेश दवे तुमने कितनी कविता लिखी, मैंने 250 कविता लिखी। कितनी देर तक पढ़ते हो, मैंने पढ़ने को तो सुबह तक पढ़ सकता हूँ। तो क्या तुम्हें तब तक पढ़ना है कविता जब तक आखिरी व्यक्ति नहीं चला जाए? तो मेरे को यहाँ खड़ा किया गया लोगों को घर पहुँचाने के लिए। ये तीन लोग आ रहे हैं, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का पता नहीं और जानकी तो अभी तक मिली नहीं है। आप भी बैठ जाओ भाई साहब, हाँ नहीं बैठ जाओ यार, थोड़ा सा मैं भी कुछ कर लूँ, मेरे हिस्से में आया है तो। कुछ लोग पानी पी रहे हैं, कुछ लोग चाय पी रहे हैं, कुछ लोग चाय कहाँ पी रहे हैं, चाय तो पी नहीं रहे हैं। भाभी जी के यहाँ से आएगी चाय तो आज। बहुत अच्छी कविता पाठ की। पहले तो मैं चाहता हूँ ब्रजराज सिंह जी, ब्रज के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए आपकी, जोरदार, इतनी जोरदार है तो मत बजाया करो। हाँ तो नरपत सिंह जी आर्य साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें यहाँ बुलाया, बुलाने के साथ साथ खाना भी खिलाया, पैसे भी बहुत सारे दोगे उसके लिए भी धन्यवाद। नहीं पर यह कवि सम्मेलन करते हैं बहुत धन्यवाद के पात्र हैं, पर आप मुस्कुराते नहीं, ये बहुत बड़ा टेंशन है, आपको देख के डर लगने लगता कई बार तो। कवि सम्मेलन कराते बहुत बड़ी बात है। आइए भाई साहब आप बैठ जाइए, विराजमान भव। इनने मुझे उठाया, भगवान करे इनको भी उठाए। ये मूछ वाले प्राणी हैं, इनके पास तो एक अंग्रेज आ गया कि भाई साहब ये लंबी लंबी क्या है, तो मारवाड़ के लोग हैं, हमारी मूछे रखने की रिवाज है, तो कि इसमें से हमें चार बाल दे दीजिए। इनने कि फ्री फोकट में कोई माल नहीं मिलता, माल चाहिए तो पैसे लगे, तो कितने? इनने कहा एक बाल के 500 रुपये। उस अंग्रेज ने इनको चार बाल के 2000 रुपये दे दिए। गिरीश जी ने जेब में फंसा और पीछे से चार बाल तोड़ के दे दिए। वो बोले भाई साहब क्या कर रहे हो, माल तो आगे का मांगा। ये बोले आगे शोरूम में माल गोडाउन से ही बेचते हैं। और ये ब्रजराज सिंह मेरे बारे में कह रहा था, ये बहुत कलाकार व्यक्ति, बहुत दुखी आदमी, एक तो ठिंगना आदमी और दुखी आदमी, पत्नी भी इनसे लंबी, अब वो पत्नी इनकी इज्जत नहीं करे, तो ये टेंशन में। तो एक बाबा जी के पास में पहुंच गए, बाबा जी कृपा करो। तो कि क्या हो गया कि पत्नी इज्जत नहीं करती है? तो कि क्यों नहीं करती है? तो क्या करूं बाबा जी, एक काम कर बेटा, कुछ मत कर, तू घर जा और पत्नी की तारीफ करना प्रारंभ कर दे। वो कुछ भी काम करे बस उसकी तारीफ कर, देख फिर तेरे कैसे दिन बदलते हैं। ये घर आए ब्रजराज सिंह जी, पत्नी ने खाना परस दिया, चार पराठे, रोटी ने, सब्जी ने, अचार ने, सलाद ने, सब रख दिया। इनने पहला कोल खाते से कहा, वाह क्या सब्जी बनी, ऐसी सब्जी तो मैंने कभी देखी नहीं, और पराठे इतने लजीले, इतने स्वादिष्ट, क्या करा क्या, ऐसा मजा आ गया, वाह वाह वा, क्या अचार है, वाह क्या सब्जी है, क्या दाल है, क्या चावल है। भाभी जी का दिमाग खराब, अंदर गई, इतनी बड़ी झाड़ू लेकर के आई,
बोले मैं जिंदगी हो गई रोटी पराठे बनाते हुए, तुमने कभी तारीफ नहीं करी ना, आज पड़ोसन से दो पराठे क्या मांग के लिए ही तारीफ के फूल बांधे जा रहे हो। तो ये ब्रजराज सिंह जी ब्रज है भाई साहब, बहुत बढ़िया व्यक्ति है, लेकिन देश का वीर रस का बहुत बढ़िया कवि है। मैं अब आपके बीच में हंसाने की क्या कोशिश करूं, क्योंकि गिनती के लोग बचे और सब लोग जाने की तैयारी में, लेकिन मुझे खड़ा कर दिया है और ये बाबूजी बैठे हैं, तब तक मैं बैठा रहूंगा या खड़ा रहूंगा? अच्छा नहीं, आपको देख के ही लग रहा है कि आप नहीं जाने दोगे, सारे तो बटन खुले रख रखे हैं आपने। यहाँ के बुजुर्ग भी बटन खुले रखते हैं, बताइए। तो मैं कुछ पंक्तियां आपके बीच में रखने की कोशिश करता हूं, एक कविता आपके बीच में हास्य की सुना दूं, उसके बाद एक गंभीर कविता आपके बीच में सुनूंगा। लेकिन मेरी एक बेटी की रचना है, पहले वो सुना दूं, क्योंकि कुछ बेटियां यहाँ पर बैठी हुई है, पहले बेटियों के विषय में कुछ कविताएं सुना देता हूं। इंदौर की एक सच्ची घटना, नरपत सिंह यारे साहब अब आपका पूरा ध्यान चाहिए, चाय तो अब नहीं आएगी, टेंशन मत लो, दूध खत्म हो गया और भैंस इनको हंसाऊं। इन्होंने अरे भाई साहब, नरपत सिंह जी आर्य के बारे में तो बोलना ही पड़ेगा, नहीं हंसेंगे और हंसा दिया। अच्छा नहीं, वो हंसाने का एक तरीका और है, उंगली लो धीरे से पीछे से करो गुदगुदी, फिर तो आदमी हंसता ही हंसता है। अब वो कोशिश कर रहे हैं, सोच रहे कि हंसू कि नहीं हंसू। हमारे यहां भी एक नरपत सिंह जी आर्य साहब है भाई साहब, और वो चार साड़ू भाई और उनके साला एक भी नहीं। अब वो एक जब भी कोई जाए सासू के पास में, तो कोई मिठाई ले जाए, कोई क्या ले जाए, कोई क्या ले जाए, सासू टेंशन में कि यार ये वास्तव में जमाई मुझसे प्रेम करते हैं कि ये फालतू का ढोंग करते हैं। तो सासू ने क्या करा, सबसे पहले बड़े जमाई को ले गई और ले जा करके नदी में कूद गई, तो जमाई भी कूद गया, सासू माँ को बचा के ले आया, सासू माँ खुश, हीरो होंडा नई की नई गिफ्ट कर दी, जमाई खुश सासू खुश। दूसरे दिन दूसरे जमाई को ले गई, फिर सासू नदी में कूदी, जमाई कूदा दूसरे नंबर का, सासू को बचा के ले आया, सासू खुश जमाई खुश, क्योंकि जमाई को स्कूटी भेंट कर दी। तीसरे दिन तीसरे जमाई का नंबर आया, उसको पुराना स्कूटर भेंट कर दिया। और हमारे यहाँ पे एक नरपत सिंह जी करके हैं, हमारे यहाँ ये वाले नहीं, जब तक लिफाफा फंसा तब तक कोई रिस्क नहीं ली जाइए भाई साहब, कभी भी उस पर डाका डल सकता है। अब वो नरपत सिंह जी का नंबर आया, वो गए, उनने सोचा कि यार मामला हीरो होंडा से शुरू हुआ था, स्कूटी ने पुराने स्कूटर तक आ गया, मेरा तो मामला साइकिल पे ही निपटने वाला है। इनने कहा मरे तो मरने दो, वो सासू कूदी पर वो जमाई नहीं कूदा, और आकर के ससुर से क्या कि तुम्हारी पत्नी मर गई और ऐसा ऐसा हुआ था, इज्जत का सवाल था, इसलिए नहीं बचाया। ससुर इतना खुश हुआ भाई साहब कि नई सेंट्रो भेंट कर दी। तो ऐसी स्थितियां हो जाती है साहब, बहुत सारी बातें, और ये कवि सम्मेलन करवाना कितना टेंशन का काम है, कितने फोन लगाने पड़ते हैं। ये हमारे गिरीश जी जोशी भाई साहब कल सुबह फोन लगा, कमलेश जी कहाँ हो? मैंने कहा रावत भट्टा, कवि सम्मेलन में टाइम से मैंने कहा आ जाऊँ भाई साहब, पर फोन मत कर। इनका एक तकिया कलाम है, क्या कर रहे हो? कल दफोर को फिर फोन, कमलेश जी कहाँ हो, क्या कर रहे हो? मैंने कहा सफर कर रहा हूँ। तो क्या टाइम से आ जाने, मैंने आ जाऊँ, पर भाई साहब फोन मत करना। फिर चैन नहीं मिली, शाम को 7 बजे फिर फोन, कमलेश जी कहाँ? मैंने तैयार हो रहा हूँ कविता पाठ करने जाना, तो ये टाइम से आया, मैंने पर यार फोन मत करना। पर इनका तकिया कलाम, क्या कर रहा हूँ? रात की 2 बजे फिर फोन, कमलेश जी क्या कर रहे हो? मैंने कहा घर आ गया हूँ, पत्नी को गरुड़ पुराण सुना रहा हूँ, आपको सुनना है तो आ जाओ। तो क्या नहीं नहीं यार, अच्छा बाथरूम में हो भाई साहब आदमी, वहाँ फोन आ जाता, कहाँ हो? बाथरूम में, क्या कर रहे हो? वहाँ कोई डिस्को डांस थोड़ी कर रहा है आदमी। पर ये स्थितियाँ हो जाती है। तो मैं एक कविता आपके बीच में हास्य की सुनाने की कोशिश करता हूँ। वो नहीं आई, वो नहीं आई, सारे के सारे लोग बोलेंगे तो मेरी कविता सार्थक हो जाएगी, नहीं तो कविता पढ़ना बेकार हो जाएगा, और कुंवारे भी बोले और शादीशुदा भी बोले। वो नहीं आई सुबह से हो गई शाम, वो नहीं आई मैंने छोड़ दिए सब काम, वो नहीं आई। हाँ ये थोड़ा हिम्मत करो बोलने की, भाभी जी कुछ नहीं बोलने वाली है। वो नहीं आई कहाँ कहाँ पर जाकर, मैंने मन्नत मांगी मेरे हो गए चारों धाम, वो नहीं। हाँ ये ऐसे है, यहाँ कौन देख रहा अपने को?
वो नहीं आई, ठंड में अकड़ गया, बारिश में भीग गया, मुझे हो गया जुकाम। ये पुलिस वाले भाई साहब बोल रहे मेरा कविता पढ़ना सार्थक हो गया क्योंकि तो न जाने कहाँ कहाँ रिसिप्ट नौकरी में रहते हैं। वो नहीं आई, परीक्षा में टिपवाया, बैलेंस भी डलवाया, घर हो गया नीलाम। वो नहीं आई, प्रेम पत्र सब मेरे उसकी माँ ने पढ़कर बेचे रद्दी के दाम। वो नहीं आई, 21-11 कर ली, रामायण भी पढ़ ली, मैं भजता रहा राम राम। ये पीछे वाले क्यों नहीं बोल रहे हैं? वो नहीं आई, और सब बोलना, बर्बाद हुई दुकान, न दिया चूहों पर ध्यान, सब खा गए काजू बादाम। वो नहीं आई, और क्या घटना घटी भाई साहब वो बताता हूं। मन मार कर मैंने, दादा टोपी वाले भाई साहब, मन मार कर मैंने किसी और से की शादी, उसे ले गया कालू राम। वो नहीं आई, सुबह से हो गई शाम, वो नहीं आई, मैंने छोड़ दिए सब काम। वो नहीं आई, अब रोज कमाने जाए, जन्मदिन भी याद न आए, हम हुए बीबी के गुलाम। और ये आखिरी का बंद अच्छा लगे तो समर्थन पूरे सदन का मिले, जितने भी लोग बैठे हैं, आप जितने भी बैठे हैं सब मेरे लिए लाखों के बराबर हैं। वो नहीं आई, पहले हाँ वारे लाल टी शर्ट हरी टी शर्ट इनकी तो आई नहीं बिचारों की ये अभी तक बैठे हुए हैं, ये राहुल गांधी के छोटे भाई हैं। वो नहीं आई, पहले मैंने कितना, पहले हमने कितना क्रीम पाउडर लगाया, अब लगा रहा हूँ बाम। वो नहीं आई, सुबह से हो गई शाम, वो नहीं आई। एक बार ताली वाली बजा दो जरा ढंग से। दोस्तों मेरे पास कागज तो बहुत सारे, बहुत सारी इच्छा हो रही है। और देखिए वो पप्पू अपना दिल्ली वाला जो पप्पू है, वो पप्पू बेचारा बहुत टेंशन में इन दिनों। वो पहुंच गया बाबा जी के पास में, बाबा जी कृपा नहीं आ रही है, कृपा नहीं आ रही है। तो बाबा जी ने कहा बेटा कृपा नहीं आ रही, तो सुनीता से संपर्क साध। अरे क्या बाबा नहीं, जो आप जो कृपा करते हो वो कृपा नहीं आ रही है। तो क्या बेटा एक काम करते रहे, पर्स में कुछ रखा हुआ है? तो क्या हाँ पर्स है ना, क्या रखा हुआ है? तो क्या उसमें फोटो रखे हुए हैं? किसके फोटो हैं? बेटा तू कहाँ जा रही है अभी? इसकी भी नहीं आई, इसकी मम्मी नहीं आई, पापा नहीं आए, चप्पल ढूंढ रही है। देखना बेटा मेरे पे इस्तेमाल मत करना हो, आजकल देश में चप्पल जूते बहुत चल रहे हैं। हाँ तो मैं कहाँ था भाई साहब, फंस गया। हाँ वो पप्पू वाली बात चल रही थी, नहीं वो तो नहीं आई, तो नहीं आई, तो नहीं आई, और नहीं आई है, फालतू की बातें नहीं है। तो वो पप्पू जेब में से पर्स निकला, बाबा जी ने पूछा क्या है जेब में? तो क्या फोटो है? तो किसका? तो क्या मनमोहन सिंह का। बेटा कृपा इसीलिए रुकी हुई है, दिग्विजय सिंह का फोटो रख, कृपा आना प्रारंभ हो जाएगी। ये स्थिति है भाई साहब। तो मैं एक पेरोडी आपके बीच में रखना चाहता हूं कि पप्पू मम्मी से क्या कहता, विदेशी छोरी से आहा, ये हमारे नगर पालिका अध्यक्ष महोदय को बहुत अच्छा लग रहा है। विदेशी छोरी से किसी एक गोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह, अरे मत बना अटल बिहारी। विदेशी छोरी से किसी एक गोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह, जो तू ना ब्याह कराए मैं इंडिया छोड़ के जाऊं, दो दो महीने तक फिर नजर नहीं मैं आऊं, ढूंढते रह जाएंगे मीडिया के लोग भी। विदेशी छोरी से किसी एक गोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह, मैया तूने मुझको
पीएम भी न बनाया, मेरे सर पे तूने सेहरा भी न सजाया। दिग्गी जी को देख लो देख लो, दूसरी ले आए हैं विदेशी छोरी से, किसी एक गोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। सत्यनारायण भगवान की कथा खत्म, तालियां बजाओ। बहनें बैठी हुई है, भाई साहब लोग बैठे हुए, एक सज्जन जा रहा मोबाइल लेकर के, नया मोबाइल लाया, पट्ठा पीछे की जेब में रखा, बैठ गया। हाँ नहीं शर्मा गया वो छोरा। वो एक लड़का मेरे को दिखा, मैंने क्या मोबाइल नया लिया क्या, तो कह नहीं उठा के ले आया। मैंने मतलब, तो एक लड़की बहुत परेशान करती है कि तुम मेरा मोबाइल नहीं उठाते, आज उसके घर आया मोबाइल ही उठा के ले आया, हमेशा का झंझट खत्म। अच्छा मोबाइल वाली सीक्वेंस मैंने पहले भी सुनी होगी आपको, आज फिर सुनाता हूँ भाई साहब। मैं एक सज्जन के घर गया, वो नहीं मिला, भाभी जी सुनिएगा, अब वो बच्चा मिला। मैंने कहा तेरे पापा कहाँ गए, तो कि शिरडी के साईं पापा। मैंने तू नहीं गया, तो कि नहीं गया। मैंने कहा तेरे पिताजी का पूरा नाम बता। अब पूरा नाम मतलब अपना नाम, बाप का नाम और सरनेम। वो बोले मेरे पिताजी का पूरा नाम है BSNL। मैंने कहा BSNL, तो कि हाँ। मैंने तेरा ताऊजी का नाम, कि आइडिया। मैंने अंकल का नाम, तो कि टाटा डोकोमो। मैंने BSNL का मतलब क्या होता है, पापा बाहर जहाँ भी जाते बड़ी इज्जत होती है, घर में आते मम्मी इज्जत नहीं करती है। मैंने तेरे ताऊजी का नाम आइडिया, तो कि वो आइडिया देते रहते हैं, काम कुछ नहीं करते, सब हमें करना पड़ता है। मैंने तेरे अंकल का नाम टाटा डोकोमो, तो कि इसकी भी समझ में नहीं आ रही कि कर क्या रहे हैं। मैंने गलत फंस गया, मैं तेरी मम्मी का नाम बता, रेडियो मिर्ची FM, दिन भर भगभग ही करती रहती है। मैंने कहा तेरी बहन का नाम बता, मेमोरी कार्ड। मैंने क्या मतलब कि दिन भर गाने ही सुनती रहती है। मैंने कहा यार तेरे दोस्त का नाम बता, मिस कॉल। मैंने क्या मतलब कि वो मिस कॉल देता, अपने को ही फोन लगाना पड़ता है। मैंने तुम बच्चों का नाम, हमारा नाम डाउनलोडिंग। मैंने क्या मतलब कि कोई भी आता ना झापट टिका के चला जाता है। मैंने कहा तेरी दादी का नाम बता, वाकी टाकी। मैंने क्या मतलब कि एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले जाती, इससे ज़्यादा रेंज नहीं मिलती है, लौट के वापस घर आ जाती है। मैंने कहा तेरे दादाजी का नाम बता, तो कि लैंडलाइन। मैंने क्या मतलब कि डब्ल्यू की तरह घर में ही पड़ रहे थे, कहीं जाते ही नहीं है। मैंने कहा गलत फंस गया। मैंने तेरी ताई जी का नाम बता, सिटी चैनल। मैंने मतलब कि कोई पूरे शहर का समाचार रहता, कौन कब कहाँ किससे बात कर रहा है। मैंने कहा तेरी बहन का नाम बता, कि मेमोरी कार्ड नहीं। मैंने कहा तेरी ताई जी का, आंटी जी का नाम बता, ब्लूटूथ। मैंने मतलब कि पेट में कोई बात टिकती नहीं, इधर की बात उधर, दो मिनट में ट्रांसफर। और जवाब अच्छा लगा समर्थन का। मैंने कि पड़ोस की छत पे जो आंटी जी कपड़े सुखा रहे उनका क्या नाम है, वो बोला मेरी मम्मी कहती है पापा का रिचार्ज वाउचर है, पापा इसी को देख के मुस्कुराते हैं। और ताली भी उन्हें बजे जिनका मामला ठीक ठाक नहीं है। तो ये होता भाई साहब, टेंशन बहुत सारे टेंशन है मेरे जीवन में, कितने सारे टेंशन, उन टेंशनों से निकल करके आप हंस रहे मुस्कुरा रहे, वरना टेंशन देने के लिए तो पड़ोसी पर्याप्त है। और ये नारी बैठी है, महिलाएं बैठी हैं, इनको प्रणाम करता हूँ। नारी शक्ति है और पुरुष सहन शक्ति है। वो एक बच्चा अपनी माँ के साथ में गया कि मम्मी मम्मी यहाँ से अपन फटाके खरीद लेते हैं। माँ ने कहा बेटा यहाँ फटाके नहीं, तो गर्ल्स हॉस्टल है। तो बच्चा बोला पापा के साथ जाता, तो पापा तो यही कहते वाह क्या फटाके हैं, तो हम कहाँ जा रहे हैं। और कह रहे हैं कि हम सुधर नहीं रहे, सुधर नहीं, कि हम कोशिश करें तो सुधरे भाई साहब। तो टेंशन, किसी को टेंशन है कि उसके जीवन में एस नहीं है, किसी को जीवन में टेंशन है कि उसके पास केस नहीं है, किसी के पास भैंस नहीं है, किसी के पास गैस नहीं है, किसी के सर पे केस नहीं है, किसी के पास कॉमन सेंस नहीं है, किसी के पास में प्रवेश नहीं है, किसी के पास आदेश नहीं है, किसी के पास निर्देश नहीं है, राहुल गांधी के पास जनादेश नहीं है। महिलाओं को टेंशन, महिलाओं को टेंशन, पुरुष को टेंशन, पुरुष को टेंशन कि उसके पास ढंग की मिसेस नहीं है, मिसेस है तो ढंग का फेस नहीं है, फेस है तो उसका कॉमन सेंस नहीं है। और जिसके पास ढंग की मिसेस है, उसका अच्छा सा फेस है, उसमें कॉमन सेंस है, उस मिसेस को टेंशन कि उसके गले में नेकलेस नहीं है। ये टेंशन है भाई साहब। तो न जाने क्या क्या टेंशन है। वो टेंशन है कि अब भ्रष्टाचारी, व्यभिचारी, आतंकवादी जेल जाएंगे, बचने के कोई चांसेस नहीं है। और पाकिस्तान की गुंडागर्दी बर्दाश्त करता रहे, भारत अब वो देश नहीं है, भारत अब वो देश नहीं है, भारत अब वो देश नहीं है। कोशिश करता हूं दोस्तों मैं गाने की, कि खत्म करके मैं जिस दिन, पूरे मंच का आशीर्वाद मिले,
कि खत्म करके मैं जिस दिन सफर जाऊंगा। एक सैनिक अपनी माँ को क्या कहता है, अच्छा लगे तो पूरा सदन और कोई बीच में ना उठे, 3 मिनट का गीत भाई साहब। कि खत्म करके मैं जिस दिन सफर जाऊंगा, नाम करके मैं अपना अमर जाऊंगा। खत्म करके मैं जिस दिन सफर जाऊंगा, ये वतन है मेरा इस वतन के लिए, ये वतन है मेरा इस वतन के लिए। हंसते हंसते खुशी से मैं मर जाऊंगा। खत्म करके मैं जिस दिन सफर जाऊंगा, जन्मभूमि को पहले बचाऊंगा मैं। पंक्ति अच्छी लगे समर्थन करना कि जन्मभूमि को पहले बचाऊंगा मैं, बाद में मिलने जननी से घर जाऊंगा। खत्म करके मैं जिस दिन सफर जाऊंगा, हौसलों से है कम उसके परमाणु बम। दोस्तों सुनना, हौसलों से है, मुझे पता अच्छी कविता जब सुन पढ़ी जाती है तो लोग चलते बनते हैं घर की तरफ, कि हौसलों से है कम उसके परमाणु बम। वो पागल ये सोचे मैं डर जाऊंगा। खत्म करके मैं जिस दिन सफर जाऊंगा, आंख दिखाएगा तो फोड़ने के लिए, सरहदों के नियम तोड़ कर जाऊंगा। खत्म करके मैं जिस दिन सफर जाऊंगा, जोड़ कर हाथ मौत की मांगेगा भी, खोप बनकर मैं दिल में उतर जाऊंगा। खत्म करके मैं जिस दिन सफर जाऊंगा, और सेकंड लास्ट आपके बीच में रखता हूं कि तब सलामी तू देना मुझे मेरी माँ, तब सलामी तू देना मुझे मेरी माँ, जब तन पर तिरंगा ओढ़ कर जाऊंगा। खत्म करके मैं जिस दिन सफर जाऊंगा, और ये आखिरी का बंद मेरी मस्ती का लिखा है, क्योंकि हास्य कवि हूं इसलिए अपनी मस्ती का लिखा है। अंतिम बंद पढ़ता हूं, अच्छा लगे तो पूरा सदन का मुझे आशीर्वाद मिले। कि खत्म करके मैं जिस दिन सफर जाऊंगा, नाम सहज है मेरा, नाम सहज है मगर लालू जैसा हूँ मैं, नाम सहज है मगर लालू जैसा हूँ मैं, उसको चारा समझकर मैं चर जाऊंगा। खत्म करके मैं जिस दिन, बहुत बहुत धन्यवाद। और नरपत सिंह जी आर्य साहब से निवेदन है कि वे आएँ, और आभार का जिनको भी आप बोलें वे आएँ, और आभार की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं।